वो हमें देखने को मिलने वाली है, कोई और नहीं है, उनका नाम है टीम एक्स पार्क की स्क्वाड। फिलहाल के लिए वो जो ग्रेनेड था वो ड्रॉप करके वहीं पे फेंका गया, बड़ा अल्ट्रॉन डाउन हो जाएगा एसी गॉड के द्वारा। स्काउट की बात करें क्लच गॉड के हाथों वो भी डाउन किया जाएंगे, अल्ट्रॉन खत्म हो चुके, मावी वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। कि देखते ही देखते बैक टू बैक क्या दो स्क्वाड एलिमिनेट करी जाएगी टीम गॉडलाइक के द्वारा, देखना पड़ेगा। ग्रेनेड की बारिश अभी भी चलती हुई है, ये वाला ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली ठिकाने पे गिरेगा, बट चलिए नहीं, थोड़ा सा दूर गया, स्काउट डाउन है, रिवाइव किया जाएगा गिल के द्वारा। बट मुझे जहां तक उम्मीद है टीम एक्सपार्क का भी सफर यहीं पे खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वो फंस गए पीछे और भी स्क्वाड उनका इंतजार कर रही होगी। ओह माय गॉड, टीम गॉडलाइक 6 फिनिशर्स वो ऑलरेडी निकाल चुके और अब अगले स्क्वाड को वाइप करने की तैयारी। जॉनथन को आप देखिए क्या बड़ी एंगल उनके पास मौजूद है, स्काउट एंड गिल दो खिलाड़ी यहां पर मौजूद, व्हीकल लेकर के जाने की कोशिश, लेकिन वो डिनाई किया जाएगा। स्काउट अभी के लिए आगे की तरफ जाएंगे, पीछे तो उनको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। गिल यहां पर मौजूद, जो स्मोक है उसके अंदर कुछ प्रेडिक्टिव प्ले जरूर से जा रहे हैं। जॉनथन काफी ज्यादा ओपन में वो जाएंगे, स्पॉट वो ऑलरेडी कर चुके, स्काउट को डाउन किया एंड अब गिल जो कि आखिरी स्टार्टिंग थे उनको भी एलिमिनेट किया। टीम गॉडलाइक यहां पर अभी के लिए अपना पहला पायदान पूरी तरीके से सेफ करते हुए दो स्क्वाड को बैक टू बैक एलिमिनेट किया, पहले TSM उसके बाद X-Pac, और अभी के लिए सिर्फ वही है जो यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। बट मीनवाइल यूडॉग जो है वो भी एक